छत्तीसगढ़ और मिजोरम का दौरा करने के बाद चुनाव आयोग की टीम आज मध्य प्रदेश का दौरा करेगी। चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेगी, जहां पर वो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। चुनाव आयोग की टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल शामिल है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा का एक चरण में 28 नवंबर को चुनाव हुआ था। 230 सीटों के नतीजे 11 दिसंबर 2018 को आए। इस चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 109 सीट मिली थी। वहीं बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 15 महीने के बाद ही कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने उलटफेर पर फिर सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने।